गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेरिटेज पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 5। वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास प्लेस वैल्यूज, हाउ टू राइट वर्ड्स, हाउ टू रीड वर्ड्स, प्लेस वैल्यूज, एंड टुडे वी विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 5। वी ऑलरेडी डिस्कस अप टू एग्जाम्पल नंबर 4, बट टुडे विल डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 5। आप सभी लोगों ने जो होमवर्क दिया था मैंने, वो आप सभी लोगों ने कर लिया होगा आई होप, एंड आप सभी लोग अच्छी तरह पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना, आप सब कुछ भूल ना जाए। इसलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, सो रीड एग्जाम्पल नंबर 5। राइट the smallest 8-digit number having 4 different digits। हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 में, कि हमें 8 डिजिट की ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 8 डिजिट का, जिसमें सारे डिजिट्स क्या हो, जो डिजिट्स हम ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। सारी नहीं कह सकते, सारी नहीं लेना, हमें ओनली 4 डिजिट लेना है डिफरेंट, 4 डिफरेंट डिजिट लेना है, जिससे हमें 8 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर बने। लेट्स सी कैसे करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, एंड लिसन केयरफुली, दिस क्लास इज कंडक्टेड फॉर द 6th क्लास। आप सभी लोग ध्यान दें कि किस क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ। ये क्लास 6th क्लास के लिए कंडक्ट की गई है, जिससे कि आप सभी लोग 6th क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, सो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड व्हाट इज एग्जांपल नंबर 5। हमें क्या कर रहे हैं, 8 डिजिट की smallest 8 digit का हमें एक नंबर बनाना, ओके, by using four different digits। क्या करेंगे इसके लिए, अब हमें ये पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट बनाना है ना, तो जो 4 डिजिट लेंगे वो स्मॉलेस्ट ही होना चाहिए। ओके, सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट डिजिट कौन कौन सी है, 0, 1, 2, and 3। दीज आर 4 स्मॉलेस्ट डिजिट्स। सो हाउ वी मेक अ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज 4 डिजिट। आपको ये 4 डिजिट को यूज करके सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 8 डिजिट का बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखो, नहीं सबसे पहले हम 0 तो नहीं रख सकते, 1 को रखें, ओके, क्योंकि अगर हमने 0 रख लिया तो क्या हो जाएगा, वो तो आगे डिजिट ही कम हो जाएगी, 7 की रह जाएगी, इसलिए हमें क्या करना है, आगे 1 को रखना है, 0 तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते आप। ओके, हमें अभी क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं और उसमें 8 parts करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8। ओके, सो दिस इज, इन्हीं बॉक्सेस में हम क्या करेंगे, 8 नंबर्स को भरेंगे, 8 डिजिट्स को भरेंगे, जिससे कि हमारा एक स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनेगा। ओके, सो पहला नंबर तो हमें 1 ही भरना, ओके, और लास्ट में 3 भर सकते हैं और 2 भर सकते हैं, क्यों, क्योंकि तभी स्मॉल बने, नीचे तो 2 लिखूं। अब यहाँ पे क्या भरना, यहाँ पे अगर हम 0000 लिख दे सकते हैं, क्या होगा कि हमारा ये नंबर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ओनली 4 डिजिट। ओके, सो दिस इज योर 4 डिजिट 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ओके, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 5, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस एग्जांपल नंबर 6। इन एग्जांपल नंबर 6, रीड एग्जांपल नंबर 6 एंड ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 एंड टेकिंग 8 डिजिट ओनली 1। कैसे करेंगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है,
आपको तीन डिजिट का, थ्री डिजिट का एक नंबर बन, ठीक है। अब हमें बताना है कि आपको तीन डिजिट दी गई है, 1, 3, 9, 5, ये आपको तीन डिजिट दी गई, और आप एक डिजिट एक नंबर सिर्फ एक ही बार कर सकते, ये नहीं कि दो दो बार कर। मीन्स आपको एक तीन डिजिट का बनाने के लिए यहाँ पर अपन बॉक्स बना लेते, यहाँ पर हमने थ्री बॉक्स बना लिए। फिर क्या करेंगे उसके बाद, हम नंबर्स को बनाएं, मतलब डिफरेंट बनाना है। सबसे पहले तो यही लिख लो 1, 3, 5, ओके, लिख लिया। अब दूसरा अपन क्या बना सकते हैं, और बॉक्स बना सकते हैं, क्या क्या बनाएं, मतलब एक ही जगह पर नंबर को यूज नहीं, एक नंबर तो योग हो गया अपना एक, यहाँ पर वन को लिख रहे हैं तो इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर देते हैं, ओके, ये मैंने अपनी वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया, ये कितना नंबर हो गया, दूसरा हो गया। अब थ्री देखते हैं तीसरा नंबर, अगर ये वैल्यूज चेंज की थे अपन ने, ठीक है ना, इसको कर देते हैं, थ्री को आगे कर देते हैं और वन को पीछे कर देते हैं, और फाइव को ऐसे ही रहने देते, ओके। अब इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं अपन, ठीक, फाइव को पीछे कर देते हैं और वन कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा कि अभी अपन ने इन दोनों को और इस दोनों कर दिया, इस दोनों को और इस दोनों को कर दिया, अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको और इसको कर सकते हैं, इसको इसको कर सकते हैं, मतलब थ्री को यही रहने देंगे, फाइव और वन लिख देंगे, ठीक है, और फिर फाइव को यही रहने देंगे, थ्री और वन। सो यहाँ पर आप कितने डिजिट बन जाएंगे, 6। दिस इज योर आंसर, आप एक ही नंबर को एक थ्री डिजिट की डिफरेंट नंबर्स बनाने के बाय यूजिंग ओनली थ्री डिजिट, तो आपके थ्री डिजिट से 6 नंबर बन चुके, ओके। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 6। बिफोर दैट, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम और एक्सरसाइज, वी रीड, वी विल रीड प्लेस वैल्यूज एंड फेस वैल्यू, व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू, सो लेट्स सी व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू, ओके। आप सभी को ये सब नोटबुक पे लिखना है, और अगर आपको जल्दी लग रहा है कि जल्दी इरेज कर दिया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, वीडियो आपको बार बार नहीं देखनी पड़ेगी, ओके। देखते हैं अब इसको, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यूज क्या होते हैं, फर्स्ट प्लेस वैल्यू, आपको कोई ऑलरेडी नंबर दिया गया, ठीक है, आपको नंबर दिया गया, जैसे मान लीजिए 5, 4, 3, 2, 6, आपको इस नंबर में मैंने बोला कि आपको 4 डिजिट की बतानी है कि प्लेस वैल्यू क्या हो, तो अपन फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा 6 की क्या हो, 6 किस प्लेस पर है, 1 प्लेस, है ना, 1 प्लेस पर, इसकी पहले क्या करेंगे, प्लेसेस देखेंगे, यहाँ पर लिख लेती हूँ नीचे थोड़ा सा, ये वंस है, ये क्या है, टेंस, ये क्या है, हंड्रेड, ये क्या है, थाउजेंड, एंड ये क्या है, 10,000, ओके। सो व्हेन वी रीड प्लेस वैल्यू, तो आप क्या करेंगे प्लेस वैल्यू के लिए, आपका जो 6, तो अगर 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, आपको डिजिट दी गई है, ओके, और आपकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, मैं आप एक चार्ट बना देती हूँ इस नंबर का, कैसे आप फाइंड करते हैं, एक की करना होगा तो चार्ट की बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं सारे नंबर्स की बता दूँ तो मैं चार्ट पे बता देती हूँ, ओके। आपके फर्स्ट डिजिट है 6, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, बट आपको क्वेश्चन में सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी, ओनली एक या दो नंबर की पूछी जा सकती है। सो देखेंगे 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आपको प्लेस वैल्यू में जो डिजिट है वो तो लिखना ही है,
उसके सर्कल किस प्लेस पर है उसको लिखना है, तो वंस मिस करें तो वन कर दे, इसका मतलब आंसर कितना आ गया सिक्स। फिर अपन टू लिखेंगे, टू तो लिखना है उस किस प्लेस पर है टेंस पर, टेन का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया ट्वेल्व। फिर थ्री किस प्लेस पर है हंड्रेड प्लेस पर, तो हंड्रेड का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया थ्री हंड्रेड। आफ्टर दैट फोर किस प्लेस पर है थाउजेंड प्लेस पर, थाउजेंड का मल्टीप्लाई करके कितना आ गया फोर थाउजेंड। आफ्टर दैट फाइव इसका मल्टीप्लाई कर दिया टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड प्लेस पर है तो कितना आ गया फिफ्टी थाउजेंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये सारी क्या है प्लेस वैल्यूज है, सिक्स है इसकी ट्वेंटी, थ्री हंड्रेड, फोर थाउजेंड, फिफ्टी थाउजेंड, सबकी प्लेस वैल्यू। तो जब भी आपको प्लेस वैल्यूज को फाइंड करना होगा तो आपको क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू के लिए जो जिस डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू पूछी गई उस डिजिट को लिखना और वो किस प्लेस पर है उसका मल्टीप्लाई करना, तो जो आंसर आएगा वही आपकी प्लेस वैल्यू। आफ्टर दैट प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू बहुत ही सिंपल है। प्लेस वैल्यू मतलब है कि वो नंबर क्या है, वो डिजिट क्या है। मीन्स अगर यही सेम नंबर मान लीजिए आपका होता थ्री टू सिक्स, तो मैंने पूछा सारे नंबर की प्लेस वैल्यू बताओ तो अलग अलग, तो क्या हो जाती है ये डिजिट है आपकी और आपकी ये प्लेस वैल्यू, तो आपको क्या करना होता प्लेस वैल्यूज के लिए। मैं ऊपर एक देती हूँ, ये सब आप नोटबुक में लिख लेंगे प्लेस वैल्यूज के लिए। प्लेस वैल्यू नंबर आपका फाइव फोर थ्री टू सिक्स, ओके। तो आपको फेस वैल्यू लिखना है, आपकी डिजिट दी गई है, आपकी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो नंबर है क्या, वो जो नंबर है वही सेम उसकी फेस वैल्यू भी सिक्स टू थ्री फोर एंड फाइव, तो आपकी फेस वैल्यू भी क्या होगी सिक्स होगी, टू होगी, थ्री हो गया एंड फोर हो गया एंड फाइव। मीन्स जो जो नंबर है जो डिजिट है वही फेस वैल्यू है, ओके। फेस वैल्यू चेंज होती है बट फेस वैल्यू इज नॉट चेंज। सो दिस क्लास इज ओवर नाउ, ओके, सी यू टुमारो, थैंक यू सर।